अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, से वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड, ओके, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज मैं आपको एक शेप का इंट्रो देने वाली हूँ, ठीक है? और वो कौन सी शेप है आप लोग उसके लिए देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। क्या है? एक फ़ुटबॉल है मेरे पास, लॉलीपॉप्स हैं, एक पैकेट है चिप्स का, और क्या है, एक स्मॉल बॉल है, ठीक है? आज मैं आपको जिस शेप का इंट्रो दूँगी वो है, वो सॉलिड शेप है, स्फीयर। विच शेप इज़ दिस? स्फीयर। और स्फीयर शेप कैसी होती है? लाइक बॉल, इस तरह की होती है, राउंडेड होती है, ठीक है? इसकी कोई बेस नहीं होती, ये रुकती नहीं है, आप देख सकते हैं ना, ये मूव कर रही होती है, सी, ठीक है? विच शेप इज़ दिस? स्फीयर। इस शेप को क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। और स्फीयर शेप में और क्या क्या चीज़ें होती हैं आप देख सकते हैं। ये जो लॉलीपॉप है इसकी शेप भी कैसी है? स्फीयर है, राउंडेड है ना? और इसके जैसी और कौन सी शेप्स होती हैं? बॉल होती है। आपके पास भी बॉल होगी जिससे आप बैट क्रिकेट खेलते हैं, है ना? आपकी जो बॉल, आप जिससे क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल भी किस शेप में होती है? स्फीयर शेप में होती है। कौन सी शेप होती है उसकी? स्फीयर होती है, ठीक है? चलें, अब आप मुझे बताएं, मेरे पास जो ये फुटबॉल है ये किस शेप में है? स्फीयर शेप में। क्या ये जो पैकेट है चिप्स का ये स्फीयर शेप का है, राउंडेड है? नो, ये राउंडेड नहीं है, ठीक है? इसे हम स्फीयर नहीं कहेंगे। स्फीयर कौन सी होगी? जो राउंडेड होगी, बिल्कुल राउंड, जिस तरह बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ठीक है, इस तरह की होती है स्फीयर शेप। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? स्फीयर। विच शेप इज़ दिस? स्फीयर, ठीक है? आज अब हम इसके बाद आपकी बुक में एक एक्टिविटी करेंगे स्फीयर शेप की, ठीक है? ओके, देखें यहाँ पे लॉलीपॉप है ना, आप लोगों को पसंद है ना, लॉलीपॉप खाते होंगे आप लोग भी। देखें इसकी शेप भी कैसी है? स्फीयर है। कौन सी है? स्फीयर, वेरी गुड। विच शेप इज दिस? स्फीयर, वेरी गुड। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे स्फीयर शेप की, कौन सी बुक में? मैथ्स की वर्कबुक में। इससे पहले हम जो काम कर रहे थे वो इंग्लिश की वर्कबुक में कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास है मैथ्स की वर्कबुक। सी, आप देख सकते हैं इस बुक पे एक क्या है, बॉय बना हुआ है, ठीक है? और बहुत सारे यहाँ पे कार्टून से नंबर्स के कार्टून से, ठीक है? मैथ्स की बुक में हम क्या पढ़ते हैं? नंबर्स पढ़ते हैं। हम जो आज की एक्टिविटी करेंगे वो इसी बुक में करेंगे। सो मैथ्स की वर्कबुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 1, मैथ्स की बुक का पेज नंबर 1। सबसे पहले पेरेंट्स बच्चों को यहाँ डेट मेंशन करके देंगे और बताएंगे कि कौन सी डेट है, ठीक है? इस पेज पे हमें क्या करना है? कलर एंड सर्कल, ठीक है? सो अब हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें मेरे साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ भी पढ़ें मेरे साथ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वेरी गुड। चलें अब हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। क्या है? आप देख सकते हैं इस पेज पर एक पार्क बना हुआ है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। और ये बच्चे किस चीज़ से खेल रहे हैं? फुटबॉल से। और फुटबॉल की शेप कौन सी है? अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी शेप है, ये स्फीयर शेप में है फुटबॉल, ठीक है? सी, दिस इज़ अ फुटबॉल, एंड विच शेप इज दिस? स्फीयर। आप लोग भी फुटबॉल से खेलते होंगे ना, उसकी शेप कौन सी होती है? स्फीयर शेप होती है, ठीक है? आपने क्या करना है इस फुटबॉल पे? कलर करना है। क्या करना है? कलर करना है, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें क्या करना है? सर्कल द स्फीयर शेप ऑब्जेक्ट्स। आपको पता चल गया होगा कि स्फीयर शेप कैसी होती है, राउंडेड होती है ना? आपने क्या करना है इस पेज पर जो जो आपको स्फीयर शेप नज़र आ रही है उसमें आपने क्या करना है? सर्कल करना है। जिस तरह से आपको यहाँ एक दिया हुआ है, ये भी जो है बॉल वो स्फीयर शेप में है, इसके बाहर ट्रेसिंग के डॉट्स दिए हुए, ठीक है? आपने क्या करना है? सबसे पहले इसे ट्रेस करना है। ठीक है, और अगर गलत होगा तो हम क्या करेंगे? रेस करेंगे, ठीक है? ठीक है,
आप लोगों ने इसको ट्रेस करने के बाद क्या करना है, जो जो स्फीयर शेप की ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं उस पर आपने क्या करना है, सर्कल करना है। चलें अब आप मुझे बताएं कि ये जो लॉलीपॉप है ये किस शेप में है। सी दिस इज़ लॉलीपॉप, किस शेप में है ये, स्फीयर शेप। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, जो स्फीयर शेप है उस पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो हमने इस लॉलीपॉप पे क्या करना है, इस तरह से सर्कल करना है। वेरी गुड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमें फुटबॉल दी हुई, इसकी भी क्या शेप है, स्फीयर है। हम इस पर भी क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। वेरी गुड। और एक और यहाँ पर हमें पिक दी हुई है, ये भी किस शेप में है, स्फीयर शेप में। आपने इस पर भी क्या करना है, सर्कल करना है। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे एक और शेप है, क्या ये स्फीयर है? नो क्यों, क्योंकि इसके कॉर्नर्स हैं और ये राउंडेड नहीं है। स्फीयर शेप जो होती है वो कैसी होती है, राउंड होती है, लाइक अ बॉल, जिस तरह बॉल होती है उस तरह से होती है। तो इस पर हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये स्फीयर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपने अपना पेज कंप्लीट करना है, और जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या कहेंगे, आई हैव डन माई वर्क। वेरी गुड, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।